हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पुष्कर सिंह धामी के साथ कुल 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें गणेश जोशी, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्या, प्रेमचंद्र अग्रवाल और चंदन रामदास शामिल हैं। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की जनता ने दूसरी बार बीजेपी को एक तिहाई बहुमत से सत्ता सौंपी है। ऐसे में उनका ध्येय है कि 2025 तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। नाराज हुए चुफाल, धामी कैबिनेट में 3 नए चेहरों सौरभ बहुगुणा, चंदन रामदास और प्रेमचंद्र अग्रवाल को शामिल किया गया है, तो 3 पुराने चेहरे बिशन सिंह चुफाल, बंशीधर भगत और अरविंद पांडे को मंत्री पद नहीं दिया गया। मंत्री नहीं बनाए जाने से बीजेपी के वरिष्ठ नेता बिशन सिंह चुफाल खफा हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल ना किए जाने को लेकर कई सवाल खड़े किए। चुफाल ने कहा कि उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करने की क्या वजह है उन्हें नहीं पता, लेकिन वो पार्टी से इस पर सवाल जरूर करेंगे। बिशन सिंह चुफाल ने कहा वो पार्टी से एक बार जरूर पूछेंगे कि आखिरकार उन्हें किस आधार पर मंत्रिमंडल से बाहर किया गया। नाराज चुफाल ने कहा कि उनके कुछ शुभचिंतक भी हैं जो उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं चाहते थे। चुफाल ने कहा मंत्रिमंडल से बाहर करने को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं कि उन्हें उम्र के कारण बाहर किया गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सतपाल महाराज भी उन्हीं के उम्र के हैं, ऐसे में उन्हें कैसे मंत्रिमंडल में जगह मिल गई। हालांकि चुफाल ने कहा कि वो पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पार्टी के लिए डंडे झंडे उठाए हैं, वो हर समय पार्टी के साथ खड़े रहे। बहरहाल देखना ये होगा कि क्या मंत्रिमंडल में शामिल ना किए जाने पर चुफाल की ये नाराजगी कितने दिनों तक रहती है और कितने दिन वो कोप भवन में रहते हैं। साथ ही देखना रोचक होगा कि चुफाल की नाराजगी पर पार्टी कैसे रिएक्ट करती है। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।